आत्मा को अपनी शरण में ले लो माय लॉर्ड, उसे शांति दो। हम सब इसकी आत्मा की शांति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देना प्रभु, इसके बुरे कर्मों को माफ कर देना प्रभु। शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे मुझे जिंदा दफना दिया था क्या? माय गॉड, कई आदमी जो मुझे दफन कर रहा था। आपको कोई दफन नहीं कर रहा था, आप सारे समय यहाँ थी इस कमरे में। हाँ, हमारे गुरु जादूगर मकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि जैसे यहाँ पर कई पत्रकार मौजूद हैं, देखिए देखिए। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद महसूस किया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है मैडम, ऐसा हो सकता है। आपने मुझे चुनौती दी थी कि मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता हूँ, और आपके अनुसार केवल बेवकूफ लोग ही हिप्नोटाइज हो सकते हैं। लेकिन आप तो बेवकूफ नहीं है ना? आपका मतलब है कि ये सब जो अभी मेरे साथ घटा वो इल्यूजन था? आपने मुझे हिप्नोटाइज किया था? यस, बिल्कुल ठीक। जिंदा दफनाए जाने का एक्सपीरियंस केवल भ्रम था, और आपको लगा हकीकत है, लेकिन हकीकत यहाँ है मेरी इन दो आंखों में। अब आप बताइए, आपको विश्वास हुआ कि नहीं? कौन हूँ मैं? हाँ, आप दुनिया के सबसे महान हिप्नोटिस्ट है। कहती थी हिप्नोटाइज नहीं हो सकती, क्या समझती है अपने आप को हैं? अरे यही है वो दो आंखें जिनके चमत्कार से इमारतें गायब हो जाती हैं। देखते ही देखते समंदर, पहाड़, रेगिस्तान अचानक हवा में प्रकट हो जाते हैं। ऑडियंस यहाँ से वहां हो जाती है। फिर भला वो छोकरी कैसे टिक सकती थी मेरी इन आंखों की शक्ति के आगे? आप ठीक कहते हैं गुरुजी, आप महान हैं, आपकी आंखों की शक्ति तो। अब तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। तुम थिएटर हॉल में जाकर कल के शो की तैयारी करो, स्टेज वगैरह देख लेना, और सुनो, इस बार मेरा चोगा अच्छी तरह प्रेस होना चाहिए, समझे? और याद रहे, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी इनवाइट करना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? दफा हो जाओ यहाँ से। 10 साल हो गए मेरे साथ, लेकिन फिर भी ये बताना पड़ता कि ये करो और वो करो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो नालायक? मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी? मैंने सीखा क्या? कपड़े धोना, इस्त्री करना, तुम्हारे मन की बिरयानी बनाना। 10 साल तक तुमने मुझे अपनी चाकरी करवाई है, बदले में मिला क्या मुझे? जबकि मैं तुमसे किसी मामले में कम नहीं हूँ, किसी मामले में कम नहीं हूँ तुमसे। नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तुम्हारी आंखों को मेरे कब्जे में। छोड़ो मुझे, कुछ नहीं बिगाड़ सकती मैं।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। नहीं नहीं बदला, देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ, वहां कुछ मुझे ले ले बता, देख मेरी तरफ, याद रहे मेरी आंखें तेरा पीछा करेंगी, छोड़ेंगी नहीं। तुम्हारी ये आगे कुछ नहीं कर सके, हमारी सारा कुछ प्लान है, कुछ नहीं कर सकेंगी ये। उसकी जेब इनके हाथ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुराग है इंस्पेक्टर, इसे संभाल कर रखना चाहिए। सर, दरवाजे का ताला तोड़कर एंट्री की गई है, अलमारियां भी लूटी गई हैं, कुछ सामान भी गायब है। लगता है ये खून चोरी के लिए किया गया है। सर सर, ये यहाँ की बरामद हुआ। साफ कर दिए गए। वैसे यहां पर काफी फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन वो ज्यादातर जादूगर मकरंद के या फिर इंसाफ मिस्टर प्रतीक के होंगे। तो मिस्टर प्रतीक, आपने बताया कि आप थिएटर हॉल से लौट रहे थे। जी हाँ, कल के शो का इंतजाम करने गया था सर, वही स्टेज वगैरह सर। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया सर कि गुरु जी का चोगा प्रेस करना तो रह गया है, तो उसे लेने के लिए जब मैं वापस लौटा सर, तो देखा कि दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है और महान आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है। Excuse me, इंस्पेक्टर, आपका काम खत्म हो गया? लेकिन आप कौन? इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर मनीषा फ्रॉम सेंट हेलेनास हॉस्पिटल। आपका काम खत्म हो गया हो तो हम अपना काम शुरू करें। वार्ड बॉयज आ जाओ, मुर्दे के सिर को बर्फ में पैक कर दो और बॉडी को सर्जरी रूम में पहुंचा दो। जल्दी करो एंड बी केयरफुल। डॉक्टर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? प्रतीक जी, आपने इनको कुछ बताया नहीं? मैं भूल गया, सॉरी। डॉक्टर मनीषा, आई सर्जन है। सर, मकरंज की बड़ी इच्छा थी सर कि मरने पर उनकी आंखें डोनेट कर दी जाए। उनकी सारी शक्ति उनकी आंखों में थी, उनकी आंखों को बचाना हमारा कर्तव्य है सर। सर, इसीलिए मैंने आपको फोन करने के बाद डॉक्टर मनीषा को फोन किया और इन्हें बुलवा लिया सर। प्रतीक जी, हमें जल्दी चलना चाहिए, सर्जरी करके इनकी आंख को निकाल देना चाहिए, वरना बेकार हो जाएगी। ठीक है, बाय इंस्पेक्टर। तो ठीक है मिस्टर प्रतीक, हम भी चलते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। और हाँ, कल आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं ना, ऐसे ही रूटीन। जी हाँ, चलिए। पहले तुम्हारी जान ली और अब तुम्हारी तो आंखें। जैसे ही सॉल्यूशन एसिड में करना शुरू, ठीक दो बूंदे काटले सॉल्यूशन की उसमें डालनी होंगी। एक बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान नहीं रखा तो खतरनाक हो सकता है। जैसे रिएक्शन शुरू, ठीक दो बूंदे फ्लास्क में गिरनी चाहिए, दो बूंद से ज्यादा किसी हालत में नहीं। सब समझ गए? गुड, तो एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। याद रखो, सिर्फ दो। जैसे ही रिएक्शन शुरू हो, कैटलिस्ट सॉल्यूशन की दो बूंदें फ्लास्क में गिरनी चाहिए। याद रहे,
काटले सॉल्यूशन की सिर्फ दो बूंद। वैशाली जरा मुझे कैटलिस्ट सॉल्यूशन तो देना, लैब असिस्टेंट ने रिफिल ही नहीं किया। नहीं दिया? थैंक्स। याद रहे सिर्फ दो बूंदे। अनीता तुम्हें क्या हुआ, ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ, तुम्हारा गला बंद क्यों है? सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर मुझे कुछ। केमिकल के वेपर से इनकी आंख का अंदरूनी हिस्सा जल गया था। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपना मुंह फेर लिया, वरना दूसरी आंख भी चली जाती। डॉक्टर ये मेरी सबसे ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट्स में से है, पता नहीं इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि ब्यूरेट पर नजर नहीं रखी। एक्चुअली सर ये उस समय मुझसे कैटलिस्ट सॉल्यूशन लेने के लिए मुड़ी थी। एनीवे सबसे अच्छी बात तो ये है हमने इन्हें नई आंख दे दी है। लकीली अभी अभी किसी ने अपनी आंखें दान दी हैं, वो भी बहुत फेमस आंखें। फेमस आंखें क्या मतलब? ये आंखें मशहूर जादूगर मकरंद की थी जिनका हाल ही में मर्डर हुआ था। एक आंख तो एकदम बेकार हो गई थी, दूसरी एकदम परफेक्ट थी, सो वो हमने इन्हें दे दी। अगले दो महीनों के अंदर इन्हें अपनी थीसिस पूरी करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर पाएंगे डॉक्टर? डोंट वरी, ये आज ही घर जा सकती है। हफ्ते भर में इनकी पट्टी उतर जाएगी और ये आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती है। डॉक्टर पट्टी निकलने के बाद मैं ठीक से देख तो सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? देयर यू गो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप देख सकती हैं? हाँ मैं एकदम साफ साफ देख सकती हूँ, एकदम क्लियर। कुछ लाल लाल या धुंधला धुंधला? ओके, इन दैट केस दैट्स अ वेरी गुड न्यूज, ओके? नाउ रिलैक्स, आई विल चेक यू। डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ? अनीता क्या हुआ? कुछ भी नहीं, चक्कर से मैंने जब इनकी आंखों में देखा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई, ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई हावी हो रहा है, जैसे मैं किसी भंवर में फंसती जा रही हूँ। मुझे मालूम है ये सुनने में सब अजीब सा लगता है, शायद ये मेरा डायबिटीज हो। आप फौरन अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए। मेरी आंख में कोई नुक्स तो नहीं है डॉक्टर? कैसा नुक्स, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो नीता। कल से लेक्चर अटेंड करना शुरू करो, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो और अपनी इस नई आंख को काम पे लगाओ। अरे यार अब पढ़ाई वढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हारे पास हिप्नोटिस्ट की आंख है। तुम सिर्फ इतना कर लो, एग्जामिनर को हिप्नोटाइज कर लो, वो तुम्हें अपने आप अच्छे मार्क्स दे देगा, क्यों? अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड कुछ प्राकृतिक रेजिंस में और एसेंशियल ऑयल्स में पाया जाता है, इसको निकालने के लिए बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन इस तरह से बने होते हैं, अगर इस चेन को तोड़ सके तो एक नया कंपाउंड अनीता, तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो यही खड़ा था, उसने चाकू से ऐसे ऐसे मारने की कोशिश। अनीता, तुम लैब में हो, मैं अभी बेंजोइक एसिड पे लेक्चर दे रहा था, यहाँ कोई आदमी नहीं आया, इनसे पूछो। हाँ अनीता, इनमें से किसी ने भी नहीं देखा। हाँ अनीता, यहाँ कोई नहीं आया था, शायद तुम्हें छपकी आ गई और तुमने कोई सपना देखा होगा। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा, आई एम सॉरी सर। प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वाह अनीता, क्या स्टोरी बनाई है,
लेक्चर में तो सो गई, लेकिन डॉक्टर राघव से बचने के लिए क्या कहानी बनाई है तुमने यार। सच्ची तुम्हें तो कोई ना टीवी सीरियल लिखनी चाहिए। तू यहाँ केमिस्ट्री में क्या कर रही है फिर? सब कुछ सचमुच देखा यार, क्या मुझे झपकी आ गई होगी, लेकिन कितना रियल सपना था। ओ चलो मैं चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? पढ़ाई नहीं करनी? पिक्चर देखने जा रही हूँ। वैसे तुम्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। प्राइवेसी इसलिए क्योंकि बाहर कोई खड़ा है। पूछो तो कौन? सुधीर। यस वैशाली की बच्ची, ये जरूर तेरी हरकत है। सुधीर सुधीर। वैशाली मैं तुझे बहुत मानूंगा। अनीता इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। कैसा रहा तुम्हारा ऑपरेशन? अब अनीता वैशाली मुझे खबर नहीं करती तो मैं तो बैंगलोर में रहता ना। आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? छोटा सा ऑपरेशन था सुधीर, और मैं तुम्हें खामों का तंग भी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे MBBS के फाइनल्स भी नजदीक हैं और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ आपकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा हो और मैं आप पढ़ाई में ध्यान लगाऊं? मैम साहब मैं ना आपकी तरह पत्थर दे दी, और फिर आपको देखे बगैर मैं कैसे रह सकता था। तो अब देख लिया ना, वापस जाओ। पहले मुझसे एक वादा करो। क्या? मुझसे शादी करो। ओफो सुधीर, हम कितनी बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें तो पता है हम दोनों ही स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं। कुछ पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कुछ नौकरी वगैरह लगनी चाहिए, घर बार ठीक ठाक तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने भी ठीक यही किया था, लेकिन शादी के बाद। लेकिन इस बार जब तक तुम शादी की तारीख पक्की नहीं करते, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। क्या पागलपन है सुधीर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो मैं तुम्हें 5 सेकंड। हाँ या ना? ठीक चलो शुरू करते हैं। 5 4 3 2। शादी की बात की थी, उसका इतना वाइल्ड रिएक्शन। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोली, बात कुछ और है, बात कुछ और है। क्या बात है? और कुछ क्या? कुछ तो बताओ। मुझे डॉक्टर मनीषा से मिलना है फौरन। मुझे तो इसमें कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं देता। आपको ये जो बुरे सपने से आते हैं, उनका इस आंख से कोई संबंध नहीं है। है डॉक्टर, संबंध है। याद है, याद है आपको भी चक्कर सा आ गया था जब आपने मेरी सांप के अंदर देखा था। आपको लगा था जैसे कोई आप पर हावी हो गया हो। हाँ लेकिन आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है डॉक्टर। मैं एक ही सीन बार बार देखती हूँ, वही आदमी, वही चाकू, ऐसी 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 पोजीशन में, एक एक चीज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। आपने उस आदमी का चेहरा देखा है? नहीं, मुझे उसका चेहरा तो धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन हाँ उसकी नीली शर्ट एकदम क्लियरली दिखती है, और नीली शर्ट पे बना स्टार भी। नीली शर्ट? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, डॉक्टर आपको कुछ मालूम है, आप मुझे बताते क्यों नहीं? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, हमें फौरन जाके इंस्पेक्टर शाह से मिलना होगा। अच्छा, तो नीले रंग की शर्ट आपको दिखाई हुआ था? जी जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप उस बारे में कुछ जानते हैं क्या? एक जादूगर मकरन के मर्डर केस का सारा सामान हमारे पास है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही थी।
एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया उसने? मुझे वही भयानक सीन दिखाई दिया जिसमें एक आदमी शर्ट पहनकर मेरी ओर बढ़ता है और चाकू से मुझे ऐसे ऐसे मतलब वो आदमी आपको बार बार दिखाई देता है, तो अगर वो आदमी आपको यहीं कहीं दिखाई दे जाए तो आप पहचान सकेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? देखिए मुझे उस आदमी की सूरत साफ नहीं दिखाई देती, मुझे बस वो नीली शर्ट दिखती है और वो चाकू। कैसे हो सकता है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्हें बार बार जादूगर मकरंद का मर्डर दिखाई दे रहा है। कहीं ये इस आग की वजह से तो नहीं? आग की वजह से? एकदम बेतुकी बात है, एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक। मैं तो एकदम बौखला गया हूँ, जिंदगी में पहली बार ऐसा केस सामने आया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग कितना भी छुपाने की कोशिश करें फिर भी इन न्यूज़पेपर वालों को ये खबर कहीं ना कहीं से लगी जाए, और देखिएगा कल सुबह तक ये सब कैसे छप कर आता है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई स्टंट है, झूठ बोलती है ये। क्या बात है सर, शो की पूरी तैयारी हो चुकी है सर, बाहर गाड़ी भी खड़ी है। हाँ आप चलेंगे सर? तुम बाहर ठहरो, मैं आता हूं। और सुनो, आइंदे से चोगा जरा ढंग से प्रेस किया करो, समझे? जाओ। हो नहीं सकता, मुझे उस आग से निपटना पड़ेगा। तो मनीषा, या कैसी हैं अब अनीता जी? ठीक है, अस्पताल में हैं, हमारी निगरानी में हैं, अब तक उन्हें दूसरा अटैक भी नहीं आया। वैसे मैंने एक खास बात ऑब्जर्व की है, उन्हें ये अटैक्स कभी कभी ही आते हैं। कभी कभी? तो हो सकता है अटैक के पीछे कोई कारण हो, जब भी कारण पैदा होता है अटैक्स आते हैं। हाँ, लेकिन ये कारण क्या हो सकता है, ये भी तो समझ में नहीं आता। मैं भी हैरान हूँ, पुलिस हिस्ट्री में ऐसा पहला केस होगा। इसके अलावा मान लीजिए अनीता जी से हमें खूनी का डिस्क्रिप्शन मिल भी जाता है, तो भी हम अदालत में उसे सबूत के तौर पर पेश नहीं कर सकते। सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। देखो जर्नलिस्ट हो तो बता दो, टीवी और न्यूज पेपर वालों ने नाक में दम कर रखा है, हजारों सवाल पूछे, अब कहां से लाऊं जवाब। हेलो, आई एम प्रोफेसर अभय, मैं जर्नलिस्ट नहीं एक साइंटिस्ट हूँ, और आपके लिए दूर दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, लेकिन क्यों? मेरी जिज्ञासा मुझे यहाँ खींच रही है। देखिए प्रोफेसर, आप कहीं से भी आए हो, इस वक्त आप अनीता से नहीं मिल सकते, अभी अभी उसने प्रेस वालों से पीछा छुड़वाया और ऊपर से ये अटैक। जी हाँ जी हाँ, उन्हीं अटैक्स की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ, आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद कर सकते हैं आप? खूनी को पकड़वा सकता हूं। आप खूनी को पकड़वाएंगे? कैसे? 30 साल से आंखों पर रिसर्च कर रहा हूं, मैंने सारे परिवार की और सारी दुनिया की भक्तियां सही हैं, मगर आज अकेला ऐसा इंसान हूं जो आपकी मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकते हैं आप मेरी 30 साल की रिसर्च 30 सेकंड में जाना चाहती हैं? आपकी पहेली का हल उस आंख के अंदर छुपा है, और उस हल को ढूंढने के लिए हमें पहले उस आंख में जाना पड़ेगा। हमारी आंख एक छोटी सी मशीन की तरह है, एक छोटे से कैमरा की तरह, कैमरे की तरह ये लेंस सामने के सीन को देखता है और उसे इस पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, डाल देता है।
और वहां से इस ऑप्टिक नर्व द्वारा उस सीन को दिमाग तक ले जाता है और आप सीन देख सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहिबा, मैं जानता हूं कि आप सब ये जानती हैं, पर मैं जरा इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज के लिए बता रहा था। आप जारी रखिए। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जिस तरह कैमरे में एक फिल्म होती है जो कैमरे के पर्दे पर गिरे किसी भी सीन का फोटो ले लेती है, वैसी फिल्म आंख में नहीं होती। आंख के पर्दे पर सीन आते जाते मिट जाते हैं, रहते नहीं। अगर आंख के पर्दे की जगह कोई फिल्म होती तो हम सारे सीन पकड़ लेते। जरा सोचिए, मकरंद की आंख के पर्दे पर जो सीन इस समय है, अगर हम उसका फोटो खींच लेंगे तो कैसा रहेगा? कैसे करेंगे भला? रेटिना की इमेज आपको मिलेगी कैसे? प्रोफेसर साहब, कैमरा सिर्फ आंख के सामने रख देने से इमेज मिल जाएगी क्या? जी हाँ जी हाँ, पिछले 30 सालों से सारी दुनिया यही मुझसे पूछ रही है, पर मैं पूछता हूँ क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी, जरूर मिलेगी। कैसे मिलेगी इमेज? आप क्या फोटोग्राफिक फिल्म को आंख के अंदर डालेंगे? देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने जो कैमरा इजाद किया है इसमें 3 स्पेशल तारे लगी हुई है। एक में थोड़ा सा करंट बहता है और ये दो ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स। मैं इन 3 तारों को सुइयों द्वारा उसकी आंख से जोड़ दूंगा और तीनों को आंख में डाल दूंगा। यहां, 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 तीनों कॉन्टैक्ट करेंगे और एक इमेज यहां से आएगी और दूसरी डायरेक्ट यहां से, इस प्रिज्म से होती हुई यहां आएगी। और जब ये दोनों इमेजेस मिल जाएंगी तो हमें वो सीन मिल जाएगा, हमें वो सीन मिल जाएगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि जादूगर मकरंद की आंख में अभी भी कुछ होगा? देखिए, मकरंद एक माना हुआ जादूगर था, एक बहुत ही खतरनाक हिप्नोटिस्ट। उसकी आंखें किसी आम इंसान की आंखों की तरह नहीं थी, बहुत पावरफुल थी उसकी आंखें, बहुत ताकत थी उनमें। और उसी ताकत की वजह से खूनी की तस्वीर उसके दिमाग में अटक कर रह गई है, उसकी आंख की एंटीना में छप गई है खूनी की तस्वीर। मरने के बाद भी वो तस्वीर उसकी आंखों से जाती नहीं है और यही वो सीन है जो अनीता को बार बार दिखता है। यस, यही वो सीन है। एनीवे, हमें क्या करना होगा? और उस लड़की को यहां लेकर आओ, अनीता को यहां लेकर आओ। प्रोफेसर, आप ये 50 बार कर चुके हैं फिर भी कोई इमेज साफ दिखाई नहीं देती। आप खुद ही देखिए, आप ये क्यों नहीं मान लेते आपका मेथड और आपका कैमरा दोनों फेल हो गए? नहीं नहीं नहीं, ना मेरा कैमरा फेल हो सकता है और ना ही मेरी मेथड। ये दरअसल मेरी सुइयां आंख के पीछे सही जगह पर नहीं लग रही हैं। मतलब ये कि ऑपरेशन की वजह से ऑप्टिकल नर्व अपनी जगह से हिल गई है जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर ये आंख सर के बाहर होती तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता। तो आप ऐसा ही कीजिए प्रोफेसर, तुम्हारा मतलब है क्या? मेरा मतलब ये है कि मुझे ये आंख नहीं चाहिए। इस आंख ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इससे तो मेरी एक ही आंख भली। निकालिए इसे, निकालिए। अनीता, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, हमारे पास इस वक्त दूसरी आंख नहीं है कि ट्रांसप्लांट कर सके। जल्दबाजी मत करो प्लीज। मैं बहुत सोच समझ के कह रही हूँ डॉक्टर, मैं वो भयानक सीना बहुत नहीं सह सकती। मैं नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्रोफेसर, जल्दी से मेरा ऑपरेशन कराइए और मुझे इस आंख से छुटकारा दिलाइए। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहूंगी। आफ्टरऑल मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। आई एम क्यूरियस। है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, इस पर तो तुम्हारा पूरा हक बनता है। वैसे ये आंख तुम्हारी तो थी, थोड़ी देर के लिए थी पर थी तो। प्रोफेसर साहब, ये डेली हेराल्ड के पत्रकार हैं, कहते हैं आपने इन्हें बुलाया है। अरे हाँ हाँ, वो मैंने सारे न्यूज़पेपर्स को प्रेस रिलीज भेज दिया था। आइए। जरा एक मिनट, आप इधर आइए। देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि हम पत्रकारों को बाद में बुलाएंगे। अभी एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है और कहीं फेल हो गया तो धज्जियाँ उड़ा देंगे न्यूज़पेपर वाले हमारी। नहीं नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। देखिए, ये साइंस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना है, अगर न्यूज़पेपर इसे कवर नहीं करेंगे तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचेगी? एक्सक्यूज मी, जरा बताएंगे क्या चीज़ है? हाँ देखिए,
ये एक खास मशीन है और इसकी मेन मशीन यहाँ है। आइए देखिए, जैसे कैमरे को बैटरी की जरूरत होती है, वैसे ही आंख को भी खुराक की जरूरत होती है जो ब्लड द्वारा सप्लाई होता है। यहाँ हमने एक खास मशीन बनाई है। इस रेड ट्यूब से ताजा खून आंख को सप्लाई होता है और पुराना खून इस ब्लू ट्यूब से ड्रेन आउट होता है। इस मशीन से हमने इस आंख को जिंदा रखा हुआ है। और ये व्हाइट ट्यूब, गुड क्वेश्चन। इंसानी आंख से एक ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है जो सीन को दिमाग तक सप्लाई करता है। यहां उस नस का काम ये व्हाइट ट्यूब करती है जो सीन को कैमरे के लेंस तक पहुंचाती है। क्या मैं इसे पास दे सकता हूँ? क्यों नहीं, जरा ध्यान से। अरे इस सड़ी गली चीज से आप खूनी का पता लगाएंगे? इसकी मदद ले रहे हैं आप? ये क्या किया आपने? कोई नया स्टंट था क्या? अरे इस आदमी की जान भी जा सकती थी। मुझे तो खुद भी नहीं पता चल रहा है इसमें इमोशंस कहां से आ गए। ये इमोशंस, ये सब इम्पॉसिबल है। अब आप डिस्कस करने की बजाय अपने इस एक्सपेरिमेंट को जल्दी से खत्म कीजिए। हमें जल्दी से जल्दी इस चीज से पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ। अरे मुझे तो डर लगने लगा इससे। मुझे कोई बुरा सपना आया। तुम जाओ, मैं ठीक हूं। तुम जाओ और सुनो, आइंदे से बिना लॉक के अंदर मत आना, समझे? जाओ। क्या पनौती है, जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से बुरे बुरे सपने सताते आ रहे हैं। मुझे इसका अंत करना ही होगा। उस आंख को खत्म करना ही होगा आज ही। प्रोफेसर साहब, आपसे हमें बहुत उम्मीदें थी मगर आपने हमें निराश किया। आपने हमें कहा कि चेहरे से आंख निकाल कर दो और हमने आंख निकाल कर दी, पर आपने जितनी भी फोटो खींची उसमें वो मर्डर का सीन छोड़कर बाकी सब फोटो आई हैं। देखिए मैंने फोटो तो ली ना, काश मुझे वो मर्डर की फोटो मिल जाती। अच्छा अनीता, एक बात बताओ, वो अटैक्स तुम्हें ऐसे ही आते थे या किसी खास मौके पर आते थे? मैं समझी नहीं। मतलब अटैक की शुरुआत कैसे होती थी, ऐसे ही या कोई खास चीज देखकर? पहली बार जब मुझे अटैक आया तो मैं लैब में प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही थी। नहीं, लेक्चर सुन रही थी और एक लड़की को देख रही थी जिसने नीली ड्रेस पहनी हुई थी और उस पर एक स्टार भी बना हुआ था। और जब दूसरा अटैक आया? उस वक्त भी सुधीर ने नीली शर्ट पहनी हुई थी और उस पर भी स्टार बना हुआ था।
और तीसरे अटैक के वक्त पुलिस स्टेशन में हमने आपको वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया था जो हमें जादूगर मकरंद की मुट्ठी से मिला था, और वो भी नीले रंग का था और उस पर भी स्टार बना हुआ था। मिल गया रीजन, मिल गया वजह, मिल गई। यही तो मैं ढूंढ रहा था। अगर कोई नीली चीज आंख के सामने रख दी जाए तो 99% चांसेस है कि आंख फिर से वो मर्डर सीन दोहराएगी। हम आपको वही नीली शर्ट का टुकड़ा दे देंगे, वही ठीक रहेगा क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल है, मगर इस वक्त वो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, कल सुबह लेके आना, कल से शुरुआत करते हैं। हमें जरा रेस्ट करना चाहता हूं, चैन की नींद सोना चाहता हूं। चलो अनीता, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूं। और आप? नहीं, मैं यहीं आंख को गार्ड करूंगा। इस कमरे में? भगवान ना करे ऐसा हो, मैं सोचता हूं मैं बाहर ही बैठूंगा। ओके, चलो अनीता। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में डूब जाओ। कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। क्या वो रहस्यमय आंख इसी कमरे में रखी गई है? जी हाँ, लेकिन अंदर जाना मना है। और आपको इधर आने किसने दिया? उधर एक हवलदार तैनात है और उसे सख्त ऑर्डर है कि इधर किसी को नहीं आने दिया जाए। और तुम? अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, कौन है आप? मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं, तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ। कल तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मकरंद की आंख है, ये आंख मुझे पकड़वा कर जेल भिजवाएगी। इस आंख से डर गया था मैं। कमाल हो गया। अरे ओ मकरंद के भूत, बड़ा गर्व होता रहा तुझे अपनी आंख पर। आ देख क्या हाल हो रखा है तेरी इस आंख का। बड़ी डींगे मारता था अपनी आंखों की शक्ति भी। कहां गई वो शक्ति बता? मशीन जिंदा रखे हुए। हाँ, इसका भी इंतजाम किए दे दो। अरे तू क्या मुझे खत्म करेगा? मैं तुझे खत्म करने आया हूं। ले तैयार हो जा। सांप को दूसरी था लेकिन भूल हो गई। कोई बात नहीं, अधूरा काम आज पूरा की देता हूं मैं। तूने समझा कि मेरा खून करके तू बच जाएगा? नहीं प्रतीक, आज तेरा समय आ गया है। ये क्या? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखे से मार कर मेरा सब कुछ छीन लिया। तू अपने आप को बहुत बड़ा हिप्नोटिस्ट समझता है, लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं दिखाता हूँ, उठा चाकू। नहीं नहीं, कहाँ मानूंगा, नहीं कहाँ मानूंगा। जोर से चाकू नीचे लाओ अपने ऊपर। मैं तुम्हारी बराबरी का हूँ, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं तुझे खत्म कर डालूंगा, मैं इस टंकी को ही उठाकर खत्म कर डालूंगा। चाहे मुझे खत्म कर दे,
एक दिन तू भी मारा जाएगा। हम लोग अपने जान पे खेल कर उनको रोके हुए हैं। जब तक शांति रहेगी। तुम बार बार उधर क्या देख रहे हो? अरे भाई उधर क्या देख रहे हो? वहां कुछ भी नहीं है। अब कैसा नहीं लगता कि वहां से हमें कोई दूर रहा है? कहां? अरे यार वहां कुछ भी नहीं है। अपने लोग कभी आए नहीं है और दुश्मन सामने है, फिर वहां कौन हो सकता है? इसलिए सर कोई ना कोई है जो हमें घूर रहा है। प्रॉब्लम है 1971 में अटकी हुई। दो बज गए, लेक्चर का टाइम हो गया। ठीक है तुम्हें आकर ठीक करूंगा। ओके ओके स्वीटहार्ट। पिछले हफ्ते हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस हफ्ते मैं तुम्हें एक नया असाइनमेंट देता हूं और वो ये है कि अगर तुम्हारे पास टाइम मशीन हो तो तुम क्या करोगे? हाँ सर, मेरे पास ये टाइम मशीन है। मैं इस टाइम मशीन की बात नहीं कर रहा जो महज एक रिस्टवॉच है, टाइम बताती है। मैं उस टाइम मशीन की बात कर रहा हूं जो हमें दूसरे समय में ले जा सकती है, चाहे वो भूतकाल हो चाहे भविष्य काल। अब देखो ये है आज यानी 96 वर्तमान, और इसके बाद है 97, 98, 2000, 2050, 3000, 4000, 10000 एंड बियॉन्ड। और अगर पीछे जाना चाहें तो यह है 95, 94, 1980, 1960, 1947, 1495, यहां तक कि स्टोन एज जब सृष्टि बनी थी। अजय। यस सर।
तुम तो अच्छे खासे डांसर हो। हाँ यस सर। कैसा रहेगा अगर तुम अपने पेरेंट्स की शादी में नाच सको तो? रियली सर? हाँ, जरा सोचो कैसा रहेगा अगर तुम फास्ट में जाकर अजंता एलोरा को बनते हुए देख सको, या कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई देख सको, या उससे भी पीछे जाकर डायनासोर्स को देख सको। सर वो तो हम टीवी सीरियल में बहुत देख चुके हैं। नो 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 नो, इसमें कोई एक्ट्रेस नहीं है, नो गिमिक्री, नो स्पेशल इफेक्ट। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम टाइम ट्रेवल कर सकोगे तो क्या होगा। चाहो तो सीधे राम रावण का युद्ध देखो, रामायण। अगर सीधे भाषा में समझाना हो तो मुंबई से पुणे हम कैसे जाते हैं, टिकट खरीदते और पहुंच जाते हैं। टाइम ट्रेवल में ठीक इसी तरह से अगर तुम चाहो तो 1996 से 1947 में पहुंच सकते हो, या किसी हिस्टोरिक मोमेंट पर जैसे 1857 की फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, या गौतम बुद्ध का जन्म, या क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन, कुछ भी। आई थिंक टाइम इज अप। एनीवे, कल आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो है टाइम ट्रैवल में मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। ओके, सोचो, दिमाग से काम लो, किताबों से नहीं। मुझे ये असाइनमेंट कल सुबह चाहिए। इज इट क्लियर? सर आप कह रहे थे कि टाइम ट्रैवल करके हम पास्ट में जा सकते हैं सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सर ये संभव ही नहीं है। फिर आपने मिसाल दी कि ये वैसे ही है जैसे बॉम्बे से पूना जाना, लेकिन सर ये तो दो अलग अलग जगह हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है, पर एक टाइम से दूसरे टाइम में हम कैसे जा सकते हैं? देखो पुराने समय में न तो हमारे पास समुद्री जहाज थे न हवाई जहाज। उस वक्त अगर तुम इंडिया से कनाडा जाना चाहती कैसे जा सकती थी? सर कैसे जाती, तब तो जहाज ही नहीं थे। लेकिन अब तो जा सकती हो ना? वो इसलिए क्योंकि जहाज और प्लेन्स हैं। ये दोनों मशीनें तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती हैं। किसी तरह से ऐसी कोई मशीन नहीं हो सकती जो तुम्हें एक समय से दूसरे समय में ले जाए। सर लेकिन ऐसी कल्पना करना ही बेकार है क्योंकि ऐसी मशीन ना है और ना ही कभी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्या कभी किसी ने सोचा था कि आदमी की तस्वीर खींची जा सकती है, उसे चलता फिरता दिखाया जा सकता है? लेकिन वीडियो कैमरा आ ही गए ना। या किसी ने ये सोचा था कि आदमी उड़कर चांद पे जा सकता है? लेकिन साहब आदमी उड़कर चांद पे हो आया। तो ये जो है ना, ये है साइंस जो किसी भी असंभव चीज को संभव करके दिखाता है। सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने टाइम मशीन इजाद भी कर ली है। टाइम मशीन हो सकता है मैंने इजाद कर ली हो? अच्छा तुम जाओ और अपना काम करो। सर मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो लेकिन जल्दी, मुझे बहुत काम है। सर मैं रोज देखती हूँ कि आप लेक्चर के बाद सीधा इसी कमरे में लौटते हैं, घर तक नहीं जाते। बड़ी तेज नजर है तुम्हारी। जी सर, तो मैंने प्रोफेसर शर्मा से पूछा, उन्होंने बताया कि कॉलेज की तरफ से आपको ये कमरा रिसर्च के लिए मिला है और क्या? और आपके अलावा कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता, सफाई वाले भी नहीं। सर सब कुछ आप खुद ही करते हैं? तुम कुछ ज्यादा ही सवाल करती हो। जाओ ना बाबा, प्रोजेक्ट पे काम करो। सर प्लीज, इस कमरे में क्या है? कुछ नहीं, मेरा रिसर्च मटेरियल है। क्यों सर आप किस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या मैं देख सकती हूँ? सर प्लीज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस, प्लीज सर। 10 साल से एक चिड़िया तक को घुसने नहीं दिया मैंने इस रूम में। सर प्लीज सिर्फ एक बार। ओके, वादा करो कि ये बात तुम किसी और को नहीं बताओगी। पक्का वादा सर। जो चीज मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो अगर किन्हीं गलत लोगों के हाथों में पड़ गई तो तबाही मच जाएगी, तबाही। इसलिए अपना वादा मत भूलना। चला के दिखाई ना तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। मैं क्या करूं? चल फुटा दे उन्हें और सुन, जरा से भी चला के दिखाई ना तो मैं तुझे उड़ा दूंगा।
मैं तुझे उड़ा दूंगा। चल चल बेटा, चल चल चल। जी देखिए, उल्लास नाम का एक मुजरिम जेल तोड़कर भागा है, आपने उसे देखा है? वो इसी तरफ आया था। जी जी नहीं। चेहरे पर एक लंबा सा निशान है, याद कीजिए, शायद आपने देखा हो। नहीं, ऐसा कोई आदमी मैंने नहीं देखा है। बहुत खतरनाक आदमी है क्या? खतरनाक? जहां भी जाता है लाशें बिक जाती हैं। 5 साल पहले उसने एक पूरी की पूरी फैमिली का मर्डर किया था। 7 जने थे, औरतें और बच्चे। हे भगवान। कल हम उसे पूना ले जाने वाले थे, फांसी लगने वाली थी उसे, मगर वो बदमाश भाग निकला। मगर वो भागकर इधर ही आया था, यहीं कहीं छिपा होगा। यहां आसपास कोई मकान भी तो नहीं है, यहीं छिपा होगा। नहीं, यहां तो ऐसा कोई आदमी नहीं आया है। ठीक है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? फोन? वो तो कुछ खराब सा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर ही लेता हूँ, बहुत अर्जेंट है और आसपास कोई दूसरा फोन भी नहीं है। 1 मिनट लगेगा। देखिए बात तो सुनिए, फोन काम नहीं कर रहा है। फोन ले लो, बात नहीं कर रहा। देखिए फोन तो डेड है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि फोन काम नहीं कर रहा है। हाँ, फोन काम नहीं कर रहा क्योंकि इंस्पेक्टर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे पकड़ नहीं पाएगा, और जब तक तेरी पुलिस यहाँ पर आएगी तब तक मैं तो बाहर ही जाऊंगा। तुझे बाहर छोड़ कर आ। बोल किसे जी किधर है? आगे बोल। नहीं, किस्मत अच्छी थी, सिर्फ यहाँ लगी है। तुम्हारे पास कार है? मुझे उसका पीछा करना है और लोगों को भी बुलाना है। मेरे पास नंबर 1 टेलीफोन भी है। आप चिंता मत करिए, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा। क्यों, कैसे? क्योंकि मैंने उसे जिस रास्ते पर भेजा है वहाँ स्टेशन वगैरह कुछ नहीं है, रास्ता बंद है। वो रास्ता एक कॉलेज में जाकर खत्म होता है, साइंस का कॉलेज है। तो कहीं भी रेलवे स्टेशन वगैरह नहीं है। इधर जाओ, पीछे जाता हूं तो पुलिस है। इधर जाता हूं मैं। It's impossible, sir. I don't believe it. Sir, ये time machine तो नहीं है ना? हाँ, ये time machine ही है। कह रही थी impossible. लो, खुद ही देख लो। ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत का final product है। Final product? Sir, आप कहना चाहते हैं कि ये machine काम करती है? Sir,
इस मशीन के जरिए हम अपने पास में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने अतीत में जा सकते हैं सर। फिलहाल पूरी तरह काम तो नहीं कर रही है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, लेकिन एक समय पे जाके अटक गई है, 1971 पर। सर इसका मतलब ये कम से कम हमें 1971 में तो ले जा सकती है। हाँ ले तो जा सकती है, लेकिन लेकिन क्या सर? लेकिन वापस नहीं जा सकती। मैं इसी प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द सॉल्व कर लूंगा। सर लेकिन आपने ये मशीन बनाई कैसे और ये काम कैसे करती है? इसका सीधा संबंध आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। तो बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज टाइम? समय क्या है? चाहे वो आने वाला समय हो या बीता हुआ समय। माइंड यू, बीता हुआ समय सिर्फ बीता है, मरा नहीं है। हम वहां पहुंच सकते हैं। हम बीते हुए समय के एक एक पल को महसूस कर सकते हैं, किस पल में कौन सी घटना घटी देख सकते हैं। हम बिना मरे हुए अतीत में और भविष्य में जा सकते हैं, समझी? तो इन सिद्धांतों पे ये मशीन काम करती है, आया समझ में? सर एक रिक्वेस्ट है, सर आप मुझे इस मशीन का एक्चुअल डेमोंस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं, चला के दिखा सकते हैं सर, प्लीज एक बार। ओके, जस्ट अ मिनट। ये जो डायल है, इस डायल से हम ईयर यानी कि सन सेट कर सकते हैं, ओके? और यहां से हम दिन, तारीख और घंटे कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, ओके? अब मैं इस मशीन को ऑन करता हूं। देखा, देखा तुमने? अब तुम चाहो तो 1947 जा सकती हो, दिल्ली पहुंच सकती हो और अपनी आंखों से देख सकती हो कि 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में क्या हो रहा था, आजादी का जश्न कैसे मनाया जा रहा था, क्या क्या हो रहा था। 20 साल तो तुम 16 साल पहले जा सकती हो और देख सकती हो कि सड़क पे एक 3-4 साल की लड़की घूम रही है, उसके नाक भरे। तो मैं अपनी नाक साफ कर सकती हूँ? नो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, मैं 1996 से 1947 में कैसे पहुंच सकती? तुम आके इससे पर खड़ी, यही वो एक्चुअल टाइम मशीन है, यही वो चीज है जो तुम्हें अतीत में कहीं भी ले जा सकती। अब मैं इस टाइम मशीन को ऑन करता हूं। पूरी तरह से ढक लेंगी, तुम गायब हो जाओगी और चली जाओगी अतीत की किसी दुनिया। फैंटास्टिक, लाल बटन दबाने से मैं अपने वर्तमान को छोड़कर अपने मन चाहे पास में पहुंच जाऊंगी। दिस इज रियली एक्साइटिंग सर। है ना कमाल की बात? अब पाल लो, आप इस दुनिया से परेशान हो चुके हैं, किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्या करेगा? करना क्या है? सिंपल, टाइम मशीन ऑन करो, डायल सेट करो और लाल बटन दबाओ और फंस जाओ इस दुनिया से, चले जाओ अतीत में किसी और दुनिया में। अतीत में किसी और दुनिया में? ताला सच बोल रहा है या ऐसे ही हांक रहा है? साला टाइम भी निकला जा रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, पुलिस भी पीछे लगी हुई है। सर अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं जिंदगी से परेशान हूँ या नहीं, या फिर कितने दूर भागना चाहिए। यहाँ कैसे आए, जानते नहीं यहाँ ना मना? चुप कर, बस गोली मार दूंगा। क्या बदतमीजी थी, पागल हो गया? तुम क्या बोला, ये टाइम मशीन है ना? बोल बोल, बताए लड़की को गोली मार दूंगा। ये टाइम मशीन ही है, तो इसमें खड़ा होकर मैं कहीं भी जा सकता हूँ ना? हाँ लेकिन ये पूरी तरह तैयार नहीं है, तुम जा तो सकोगे लेकिन लौट नहीं पाओगे। अरे कौन साला यहाँ पर वापस आना चाहता है? यहाँ पर रहकर के अपन को मिलेगा भी क्या? फांसी का फंदा नहीं था, पुलिस का गोली है? मैं इससे जा रहा हूँ। अरे नहीं रुक जाओ भाई, तुम समझे नहीं मेरी बात। तू अपन को उल्लू समझता है,
मैंने सब कुछ सुन लिया है जो तू इस छोकरी को समझा रहा था। और मैंने भाई रुक जाओ, ये मशीन खराब है, 1971 में अटकी हुई है, 1971 में अटकी हुई है ये। अरे 1971 में अटकी हुई है कहीं भी, अब उनको तो यहाँ से भागने का है, हम यहाँ से जा रहा है, क्या समझा तुम? सुशीता मैं यहाँ से दूर हो जाऊँ, हम जाओ ना। मैं जा रहा हूँ। चला गया 1971 में। कहाँ वो बदमाश? कहाँ वो बदमाश? मैंने यहां से आवाजें आते सुनी। क्या आपने उस मुजरिम को देखा है, उल्लास को? तो उल्लास नाम था उसका। आइए बताता हूं। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है इंस्पेक्टर, ये एक लंबी कहानी है, जरा गौर से देखो। सर उधर देखिए सर, उधर कोई है सर। अरे यार मैं कहां आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है सर? अरे यार ये दुश्मन का आदमी तो नहीं लगता, कपड़ों से सिविलियन लगता है सर। ये सिविलियन यहाँ कहाँ से आ गया? हॉल्ट! आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। अरे मैं अपनी पहचान क्या बताऊँ, तुम अपनी पहचान बताओ मुझे। आगे मत बढ़ो, अपनी पहचान बताओ वरना गोली मार दूंगा। अरे तुम मुझे क्या गोली मारोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये तो मर चुका है, ये क्या माजरा है, ये मशीन क्या है? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ये टाइम मशीन है। उल्लास 1996 से 1971 में पहुंच गया, 1971 में थ्रू टाइम ट्रैवल इसी मशीन के द्वारा। वो शायद तुमसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे बहुत समझाया, वार्न किया, कॉशन किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और 1971 के उस सीन पर पहुंच गया जहां वार चल रही थी। सिपाहियों की गोलियों से वो मारा गया, फ्रंट पर उसकी मौत। आपका मतलब है उल्लास इस मशीन के द्वारा यहां से भाग गया है? आई कांट बिलीव इट, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ ठीक यही है, वो आपसे तो भाग निकला लेकिन अपनी नियति से नहीं भाग सका और उसकी मौत उसके साथ साथ गई। वो फिर वही हुआ जो बना था। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।